का शुभ संदेश पहले तोलो फिर बोलो, बहुत ही सुंदर सूत्र है, जीवन में पालन करने योग्य है कि जब कभी भी बोलना होता है तो पहले हमारे मन में जो है चिंतन आता है, हमारे मन में सोच आती है कि हमको क्या बोलना है और क्या बात करनी है, चाहे किसी से कन्वर्सेशन करना है, चाहे प्रवचन देना है या किसी को सलाह देना है, सारी बातें जो है ये चीजें हमारे सामने आती, तो वो जो है बोलने से पहले हमें अपने आप को तोलना चाहिए, यानी चिंतन के साथ साथ में मनन करना चाहिए कि जो मैं बोलने वाला हूँ ये वाणी प्रिय है कि नहीं है, ये सत्य की वाणी है या नहीं है, ये किसी को कष्ट देने वाली वाणी तो नहीं है, ये कर्कश वाणी तो नहीं है, ये किसी को जो है किसी को तिरस्कार करने वाली, किसी का अहित करने वाली जो है वह वाणी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जो है हमेशा मीठे बोलने वाली वाणी निकालने चाहिए, ऐसा चिंतन करना कहलाता है कि पहले पहले तोलो फिर बोलो, पहले आप अच्छी तरह से मनन कर लो, चिंतन कर लो, उसके बाद में बोलो, और बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए प्रवचन देना एक अलग बात है, क्योंकि वो तो सत्संग होती है, ये तो हमारा शुद्ध ज्ञान है और ये उस ज्ञान के माध्यम से हम बहुत बड़ी सेवा करते हैं, हम परमार्थ के रास्ते की बात होती है, लेकिन जो है वह सामान्य अवस्था के अंदर बोलना उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है बोलना उतना ही चाहिए जो परम आवश्यक है, क्योंकि जहाँ बोलना आवश्यक होता है वहाँ मौन रखना भी जो है वह सही नहीं है। जैसे कि महाभारत के अंदर जो है वो विष्णु पितामह द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जो है वो मौन रहे और इतना बड़ा द्रौपदी के चीरहरण का अपराध उनके सामने हुआ, तो वह अवस्था भी एक गलत अवस्था थी और उस अवस्था ने महाभारत को जन्म दिया। तो हमें जहाँ आवश्यक हो वहाँ बोलना भी चाहिए, क्योंकि बोलने से ही जो है हमारी क्या अभिप्राय ओपिनियन है और हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, वही लोगों को मालूम पड़ता है। इसीलिए हमेशा जीवन के अंदर एक सूत्र रखो कि पहले तोलो फिर बोलो, और जब ये स्थिति खड़ी हो जाती है, स्थिति हृदयंगम हो जाती है, तो हम कभी भी अप्रिय नहीं बोलते।